आसिफ रईस के प्रयास से हुआ नगर में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव। स्योहारा मानवाधिकार समिति और एकता का संदेश फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष आसिफ रईस ने दो दिन पहले नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी एपी पांडे के नाम एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नगर में कराने को कहा था। नगर में मच्छरों की संख्या बढ़ रही और नगर में फैल रही डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, वायरल आदि मच्छरों के काटने की वजह से फैल रहा है और जिससे शहर में लोगों के मन में भय बना हुआ है। एक तो देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। आसिफ रईस ने कहा कि नगर के चिकित्सकों द्वारा भी अधिकतर उपरोक्त बीमारियों की संस्तुति की जा रही है। आसिफ रईस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उपरोक्त बीमारियों को संज्ञान में लेते हुए नगर पालिका अध्यक्ष अख्तर जलील और अधिशासी अधिकारी एपी पांडे जी ने जो यहां के नागरिकों के हितार्थ हेतु संपूर्ण नगर में कीटनाशक दवाई व पाउडर का छिड़काव कराया और शहर में कीटनाशक फॉकिंग भी करा दी गई है। आसिफ रईस कहा कि संस्था आपका आभार प्रकट करती है। नगर पालिका सफाई इंचार्ज ओम प्रकाश और सफाई नायक अरुण कुमार ने बताया कि एंटी लार्वा का छिड़काव नगर में किया जा रहा है और जिस वार्ड में नहीं हुआ सभी वार्डों में जल्द ही करा दिया जाएगा। आज वार्ड 17 में एंटी लार्वा का छिड़काव कराया गया है जिसमें सफाई नायक अरुण कुमार, आसिफ रईस आदि मौजूद रहे। मैं आसिफ रईस, प्रदेश अध्यक्ष, एकता का संदेश फाउंडेशन और मानवाधिकार निगरानी समिति। आज नगर में दो वार्डों में आज एंटी लार्वा का पाउडर का छिड़काव हुआ है। इससे पहले मैंने एप्लीकेशन दी थी दो तीन बार, तो आज सुबह सफाई नायक अरुण कुमार का मेरे पास फोन आया था कि आपके वार्ड में और आपके बराबर वाले वार्ड में एंटी लार्वा का छिड़काव करना है। तो मैंने साथ में जाकर के उनके साथ एंटी लार्वा का छिड़काव करवाया पाउडर का, और चेयरमैन साहब और तजलील साहब चेयरमैन नगर पालिका अध्यक्ष और एपी पांडे अधिशासी अधिकारी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे कहने पर ये एंटी लार्वा का छिड़काव कराया।